जी फर्स्ट एक्सपीरियंस ही बहुत ज़्यादा अच्छा था 10 साल पहले, ये वाला और भी ज़्यादा अच्छा था. और इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स कि जिस तरीके से यू नो ही वाज नॉट वेल, बीच में वो बीमार हो गए थे और फिर वो इतना बढ़िया यू नो अपने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी बना के आए हैं. इट्स कम्प्लीटली सो इम्प्रेसिव. और सब कुछ जितना पहले एक्सपीरियंस था उससे कई ज़्यादा अच्छा इस बार का एक्सपीरियंस था. जी हाँ, सब उसका वेट कर रहे थे. और वो जो इतना प्यार, लाइक वो स्टिल ही हैज़ अ वेरी लॉयल फैन बेस और तब से लोग अभी तक वेट कर रहे हैं और हमेशा कहीं ना कहीं यू नो उनको बहुत इमोशनल अटैचमेंट है फैंस का उनके साथ, तो वो दिख भी रहा है बिकॉज वी आर ट्रेंडिंग ऑन अ बॉन स्पॉट एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी. और तो ऐसे ही प्यार देते रहिए. तो बॉलीवुड में रैपर की बात करें तो किंग सबसे पहले हनी सिंह का नाम आता है, फिर उसके बाद बांद्रा का नाम आता है. दोनों के साथ काम कर चुके हैं, सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस आपका किस चीज़ का है? यू हनी सिंह बादशाह दोनों अपनी अपनी जगह में दोनों ही बेहतरीन हैं, दोनों बेस्ट हैं. ऐसे दो आर्टिस्ट को कंपेयर करना मेरे हिसाब से सही नहीं है. दोनों अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं. एक एक्टर और आर्टिस्ट होने के नाते बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती हैं, सो हनी सिंह या फिर बादशाह से दोनों आर्टिस्ट लोगों से क्या सीखा? यू हनी सिंह से मैंने सीखा है हाउ टू बी जिंदा दिल, वो मैंने बहुत सीखा. बादशाह जो हैं उनसे सीखा कि क्रिएटिविटी, हाउ टू एक्सेल इन योर क्रिएटिविटी. इन फ्यूचर में होपफुली फॉर श्योर वेरी सून इन द फ्यूचर. यस ओके डन. थैंक यू. थैंक यू जी. थैंक यू. Wait.